नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिश हंटर और मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबको तो बता चुका हूं कि मेरा घर टूट चुका है, मेरा रहने का ठिकाना नहीं है। थोड़ा थोड़ा एक घर तो अभी बनाना चालू हूं किया हूं। तो दोस्तों, आइए मैं दिखाता हूं कि मैं खाली समय में जब मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ पर विश्राम करता हूँ, आराम करता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये चट्टान है गुफा की तरह और इधर कुछ इसके पौधे हैं और तो दोस्तों देखिए, इसे बोलते हैं टीला। कहीं कहीं इलाके में यहाँ सांप भी रहती है। फिलहाल तो यहाँ पे सांप अभी दिखाने दिया मुझे। हाँ, वो देखिए, वो गुफा टाइप का है, वहाँ पे सांप शायद हो सकता है, किंतु मैं अपने आप को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस चट्टान का इधर का हिस्सा को देखिए, इस तरफ गड्ढे हैं, भवन करें यहाँ पे सांप ना हो, लेकिन दिखने से लग रहा है कि बिल्कुल गड्ढे हैं। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे सांप पहले रहते थे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। दोस्तों, जब भी खाली समय मिलता है तो मैं यहीं पे आराम करता हूँ, क्योंकि मेरा घर टूटा हुआ है, समय यहाँ पे बिताता हूँ घर टूट जाने के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गंदा है तो मैं उसके लिए साफ सफाई करता हूँ पत्तों से। दोस्तों, पत्ते तोड़ने में काफ़ी मशक्क़त लग रही है, मुझे बिछाने के लिए थोड़ा ज़्यादा पत्ता तोड़ना पड़ेगा। चलिए, मैंने कुछ पत्ते को ऐसे बिछा दिया हूँ और कुछ पत्ते मैं तोड़ कर लाता हूँ। दोस्तों, मेरे इस गुफा के बगल में बगल से होकर एक सड़क गुजरती है, इसलिए गाड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। तो दोस्तों, मैं और कुछ पत्ते लाए हूँ और दोस्तों मुझे लग रहा है इतने पत्ते काफ़ी हैं, ये मेरे बिस्तर का काम करेगी। और दोस्तों, पत्तों तोड़ तोड़ के मैं बिल्कुल थक गया हूँ। तो दोस्तों, इसी प्रकार के गुफा में है ना, आप तो जानते होंगे, आदि मानव लोग रहा करते थे, किंतु घर टूटने के कारण मैं भी बिल्कुल उसी प्रकार बन गया हूँ, उसी प्रकार आराम कर रहा हूँ।
हाँ दोस्तों मुझे आराम महसूस हो रही है। दोस्तों आज मैं अपना दैनिक काम करके खेती बाड़ी करके नदियों में मछली को पकड़ कर बिल्कुल थक गया हूँ। फुर्सत मिली तो यहाँ पे मैं आराम करने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं किस जगह पे लेटा हूँ, आराम कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं नदी किनारे मछलियों को पकड़ता हूँ, अपने दैनिक कार्य में खेती करता हूँ। तो दोस्तों कितना संघर्ष करते रहता हूँ अपने आप को जीवित रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे है ना, कुछ महीने पहले यहाँ एक सांप रहता था, भयानक सांप, किंतु लड़कों ने कहा वो अभी सांप यहाँ से भाग चुका है, इसीलिए मैं इस गुफा में आश्रय ले रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं कितना मेहनत करता हूँ वीडियो को बनाने के लिए। सांप, केकड़े, इस प्रकार के खतरनाक जीवों से अपने आप को सामना करवाता हूँ। तो दोस्तों आदिमानव भी इस प्रकार के गुफा में रहा करते थे, और मेरे घर टूटने के बाद मैं भी इसी प्रकार रह रहा हूँ। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को आप लोग कृपया देखें, लाइक करें, फॉलो करें, और जहाँ तक हो सके फैलाएं और मुझे आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा मैं किस प्रकार की दूसरी जगहों में भी समय बिताता हूँ। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, मिलते हैं नई वीडियो पर।